नमस्कार दोस्तों, भारत के कोने कोने में ऐसे प्राचीन मंदिर स्थित हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में आमतौर पर दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा मंदिर भी हो सकता है जिसमें डकैत भी आकर पूजा अर्चना करते हैं? लेकिन यह सच है। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उस मंदिर में आम भक्तों के साथ साथ डकैत भी माता की पूजा करते हैं। यह प्राचीन मंदिर राजस्थान के करौली में स्थित है। मंदिर का इतिहास। कैला देवी माता मंदिर राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर त्रिकूट की पहाड़ियों पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भोमपाल ने 1600 ईस्वी में करवाया था। कैला देवी मंदिर में माता की दो मूर्तियाँ स्थापित हैं। बाईं तरफ वाली मूर्ति जिसका मुँह टेढ़ा है वो कैला देवी है और दाहिनी ओर वाली मूर्ति चामुंडा देवी की है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के चंबल नदी के बेहड़ों के पास स्थित कैला गांव में स्थित माता कैला देवी के दरबार में सारा साल माता के भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर से जुड़ी कथाएं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के माता पिता वासुदेव व देवकी को जब कंस ने जेल में डाला था तो उस समय कंस ने जिस कन्या का वध करना चाहा वह कन्या कैला देवी के रूप में इस मंदिर में विराजमान है। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में घने जंगलों से घिरे त्रिकुट पर्वत के इलाके में नरकासुर नामक एक राक्षस रहता था। उस राक्षस के अत्याचारों से लोग दुखी थे। तब लोगों ने मां दुर्गा की पूजा की और मां दुर्गा ने मां कैला देवी के रूप में अवतरित होकर उस राक्षस का वध किया। तब से ही लोगों ने मां कैला की पूजा शुरू कर दी, जो आज भी निरंतर जारी है। माता का चेहरा तिरछा होने का कारण। कहा जाता है कि कैला माता की मूर्ति पहले नगर कोट में स्थापित थी। शासकों द्वारा मूर्ति को तोड़े जाने के डर से मंदिर के पुजारी योगी राज इस मूर्ति को किसी और स्थान पर ले गए। केदारगिरी बाबा की गुफा के पास पहुंचकर पुजारी ने मूर्ति को बैलगाड़ी से उतारकर नीचे रख दिया और खुद केदारगिरी बाबा को मिलने चले गए, लेकिन दूसरे दिन वापस आकर वह मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाए। इसे माता की इच्छा समझकर पुजारी ने मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और माता की सेवा की जिम्मेदारी बाबा केदारगिरी को सौंप दी। कहा जाता है कि एक भक्त माता के दर्शनों के बाद यह कहकर मंदिर के बाहर गया कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, लेकिन वापस नहीं आया। मान्यता है कि माता कैला देवी आज भी उसी की ओर देख रही हैं जिस तरफ वह भक्त गया था। डकैत करते हैं पूजा। इस मंदिर में डकैत वेश बदलकर पूजा करने आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने पर दोबारा आकर माथा भी टेकते हैं। पुलिस भी नहीं रोक पाती इन डकैतों को। कैला देवी मंदिर में पुलिस तैनात होती है, लेकिन फिर भी यह डकैत निडर होकर माता की पूजा करने आते हैं और इसी तरह ही बिना पुलिस के हाथ आए वापस लौट जाते हैं। कहते हैं कि इनके आने के बारे में पुलिस को पता भी लग जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस इन डकैतों को पकड़ नहीं पाती। कुख्यात डकैत कर चुके हैं इस मंदिर में पूजा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैला देवी माता मंदिर में कई कुख्यात व इनामी डकैत भी पूजा अर्चना करने आते थे, लेकिन कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे। इन डकैतों में जग्गन गुर्जर, करौली का डकैत राम सिंह, सूरजमाली व धौलपुर के बेहड़ों का कुख्यात डकैत औतारी लगातार माता के दर्शनों के लिए आते रहे हैं। चैत्र मास में लगता है मेला।
कैला देवी माता के मंदिर में चैत्र मास में एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश व गुजरात के अलावा देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। खास बात यह है कि यह मेला 17 दिन तक चलता है। मेले के दौरान महिला श्रद्धालु सुहाग का प्रतीक हरे रंग की चूड़ियां व सिंदूर जरूर खरीदती हैं। साथ ही नवविवाहित जोड़े एक साथ मंदिर में माता के दर्शन करते हैं और बच्चों के मुंडन संस्कार भी संपन्न किए जाते हैं। मंदिर तक कैसे पहुंचें? जयपुर से कैला देवी मंदिर 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित महुआ से कैला देवी कस्बा की दूरी 95 किलोमीटर है। हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन से कैला देवी मंदिर की दूरी 55 किलोमीटर है। नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है। मंदिर तक पहुंचने के लिए राज्य परिवहन की बस या टैक्सी की सहूलत उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह थी कैला देवी मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।